हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश सिंह और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी का बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि मेरा वीडियो मैं किससे शूट करता हूं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं वीडियो बनाने के लिए कौन कौन सा गियर यूज़ करता हूं। सो मेरे पास है ये उलांजी का ट्राईपॉड और ये बोया का माइक। जी हाँ दोस्तों, ये दो जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बजट में ये दोनों बेस्ट प्रोडक्ट है, मेरे को ऐसा लगा। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें मैं बताने वाला हूँ मोबाइल से आप कैसे ब्लॉगिंग कर सकते हैं। मैं अभी बिगनर हूँ तो मैं अभी मोबाइल से ही सारा शूट करता हूँ, तो आपको मोबाइल ब्लॉगिंग के लिए चाहिए ऐसा एक ट्राईपॉड। तो देखते हैं ट्राईपॉड कैसा है। तो ये उलांजी का ट्राईपॉड है, मेरे को 2500 में समथिंग पड़ा है, बट अभी इसका रेट शायद कुछ कम हो जाएगा। तो ये है इसका फर्स्ट लुक, आप देख सकते हैं प्लास्टिक का रैप नहीं आया है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है, आप देख पा रहे हैं इसका क्वालिटी कितना अच्छा, बिल्ड क्वालिटी कितना अच्छा है, आप इसको जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात इसका मेरे को ये लगा कि इसमें बॉल हेड दिया हुआ है, जिससे आप जब शूट करेंगे तो आपको ऑपरेट करने में बहुत इजी होगा। दूसरा में ये चीज़ नहीं रहता है तो आप ऑपरेट नहीं कर सकते। और इस ट्राईपॉड का सबसे बड़ा खासियत यह है कि इसमें मोबाइल होल्डर दिया हुआ है। अगर आप 500 या 600 का ट्राईपॉड लेंगे तो आपको ये दो चीज़ नहीं मिलेगा, तो आपको इसको अलग से ख़रीदना पड़ेगा मार्केट से। इसी का प्राइस लगभग 1300 या 1400 में आता है, बट इस ट्राईपॉड का खासियत यह है कि इसमें पहले से ही दिया रहता है। तो जैसा देख रहे हैं कि ये दिया हुआ मोबाइल होल्डर, और इसका एक चीज़ है कि इसमें आप माइक अटैच करने के लिए जो कोल चुमा उनका ये दिया हुआ, ये भी ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। आप इसको भी अलग से ख़रीदने जाएंगे तो इसका भी 700-800 प्राइस आता है। और बहुत सारे को देखे हैं कि जुगाड़ लगाते हैं इसमें फेविकॉल या समथिंग लगा के माइक को चिपकाते हैं, बट इस ट्राईपॉड में पहले से सब कुछ दिया हुआ है। तो आप एक बार इन्वेस्ट करिए, अच्छा जगह इन्वेस्ट करिए, थोड़ा सा ज़्यादा बजट भी नहीं है, जस्ट 2500 का ये आ जाएगा पूरा अच्छा से। तो बेस्ट प्रोडक्ट मेरे को लगा, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। और मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट है, ये बोया का माइक। दोस्तों, ये बोया का माइक है, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और इसका प्राइस लगभग मेरे को 1700 के आसपास पड़ा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बोया इज़ द बेस्ट माइक दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है। लो बजट में रोड का भी माइक बहुत अच्छा होता है, बट बोया बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो देखते हैं इसका अंदर अभी क्या क्या है। तो मैं इसको पहले अनबॉक्सिंग कर चुका, मैं यूज़ कर चुका, बस आप लोगों के लिए फिर से इसको कर रहा हूँ। तो आप जैसे खोलेंगे आपको ये चीज़ देखने मिलेंगे कुछ कुछ। ये बोया का मैनुअल कार्ड, ये बोया का स्टिकर। जी हाँ दोस्तों, ये है बोया का माइक जो डेड कैट के साथ आता है। ये डेड कैट है जिसमें आपका साउंड जो है वो नॉइज से क्लियर होता है, ये उसका जो माइक है। और इसमें आपको मिल जाएंगे अटैच करने के लिए, जो इसमें अटैच होता है वो उसका अटैचमेंट है। इसमें एक वायर है जो DSLR के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ तो फ़ोन के लिए भी एक वायर दिया हुआ है। मैं सब चीज़ अरेंज करके आपको बताऊँगा कैसे आप उसको अरेंज कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या देख लेते हैं, इसमें एक पाउच दिया हुआ है जो जब आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसका अंदर डाल के। तो देखते हैं अभी कैसे अटैच होगा और आप लोग इसको कैसे अटैच कर सकते हैं। तो अभी इसमें मैं फ़ोन अटैच करके आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे अटैच कर सकते हैं। तो मेरे पास ये जो ऐसे आपको मिलेंगे, आपको सबसे पहले इसको आगे की तरफ पुल करके इसको ओपन कर लेना है और ये कुछ इस तरह से खुल जाएगा। आप अपना फ़ोन लीजिए, ऐसे कुछ जैसे इसको पुश करके लॉक कर लीजिए ऊपर, इसको ओपन करके। एंड देन आपके पास जो माइक है, सबसे पहले माइक में आप ये जो लॉक है, ये जो दिख रहा है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा इसका। तो आप इसको ऐसे करके अटैच कर लीजिए, और यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू को खोल के जस्ट ये जो कोल चो माउंट दिया हुआ है इसमें आप जाए फिट हो जाएगा। दोस्तों, ये जो ट्राईपॉड है इसका सबसे अच्छा चीज़ मेरे को यही लगा कि जो माइक है अटैच करने के लिए बहुत अच्छा दिया हुआ, नहीं तो आपको फिर अलग से इसको खरीदो चिपकाओ बहुत टेंशन होता है, बट इसमें पहले से सब चीज़ दिया हुआ है तो नो टेंशन नो झंझट, बहुत अच्छा चीज़ है। फिर इतना होने के बाद आपके पास इस तरह का वायर रहेगा, इसमें आपको लिखा हुआ है देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी माइक का सिंबल दिया हुआ है जो माइक का पीछे पुट होगा, और यहाँ पे आप फोन इसके साथ फोन अटैच कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसा होता है। ये मैंने फिट कर दिया,
तरह से ये फिट हो गया। आप देख रहे हैं कितना कितना हैंडी है ये प्रोडक्ट और कितना अच्छा सा आप यूज़ कर सकते हैं। अब निकल जाइए बाहर और शुरू कर दीजिए अपना एक ब्लॉगिंग चैनल और ब्लॉग करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मेरे को ये लगा, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। मेरे जो चैनल में जितना भी वीडियोज़ अभी तक मैंने पोस्ट किए हैं सब इसी से शूट किया हुआ है। मैं फ़ोन से ही ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। देखिए न्यू जब आप वीडियो बना रहे हैं तो आपके पास उतना बजट नहीं होता है कि आप अच्छा कैमरा या समथिंग कुछ खरीद सकें। बेस्ट है अभी आप फ़ोन से अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करिए, चैनल को थोड़ा ग्रो होने दीजिए, उसके बाद आप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करिए, आपका क्वालिटी इम्प्रूव करिए। बट अभी बिगनर्स के लिए ये बेस्ट है। मैं सब प्रोडक्ट का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाए तो वहाँ पर जाके भी परचेस कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो आपको दिखाता रहूँगा, आपके पास लाते रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।